हाई everyone, कशिश Jain, this साइड ऑल द वे फ्रॉम पी के मेकअप स्टूडियो आज हम मेकअप सीखने वाले हैं एक बहुत ही चैलेंजिंग स्किन पे और काफ़ी डिमांडिंग ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल रहा है क्योंकि आज का मेकअप लोग हम सीखने वाले हैं ल्यूको डरमा स्किन पे, जिसे हिंदी में कोड बोला जाता है और मैं आज का वीडियो पूरे डिटेल में आपको सिखाने वाली हूँ एंड अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर आए हैं तो स्वागत है आपका मेरी चैनल पर अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है कशिश जैन और मैं सूरज से हूँ एंड वीडियो शुरू होने जा रहा है उसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा और शुरू करते हैं आज का मेकअप लुक जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है आई एम श्योर यहां पे आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर ब्यूटीफुल सा एंड विदाउट मेकअप भी मॉडल ऑफकोर्स ब्यूटीफुल लग रही है और विद मेकअप ही शीज लुकिंग गॉजे अब आप लोग कॉमेंट करके मत भूलिएगा ये तो विदाउट मेकअप ही अच्छी थी ऑब्वियसली अगर आप मेकअप चैनल पर आओ तो मेकअप ही दिखेगा ना यार अभी मैं विदाउट मेकअप तो लास्ट फाइनल लुक नहीं दिखा सकती ना थोड़ा समझा करो सो so, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको स्किन प्रैप करना बताती हूँ मेरी जो मॉडल की स्किन है वो काफ़ी ज्यादा ड्राई है सो सबसे पहले मैंने एक ड्रीटिंग मिस्ट यूज़ किया यहाँ पर मैं सिरम यूज़ करी हूँ और मैं सिरम तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत एक्सेसिव ड्राई स्किन है यानी कि बहुत बहुत ड्राई है तभी मैं यूज़ करती हूँ देन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अ, अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई कर दिया जो मॉइस्चराइजर मैं अप्लाई कर रही हूँ वो है एम्ब्रोलिस ब्रांड का जिसे मैंने ऑल ओवर फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है एंड नेक्स्ट यहाँ पे प्राइमर यूज़ करी हूँ वैसे अगर मैं आपको स्किन प्रेप की बात करूँ तो आपको हर स्टेप के बाद 60 सेकेंड्स का गैप रखना है तो मैंने 60 सेकेंड्स के गैप में सारे स्टेप्स किए हुए हैं फिर मैंने सोचा कि यार ये चैलेंजिंग स्किन है तो क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट करके देखे तो मैंने क्या किया ना एक साइड पे मैंने करेक्टर यूज़ किया और दूसरी तरफ मैंने कंसीलर यूज़ किया है और मुझे ये देखना था कि दोनों में से क्या कौन सा यू नो पार्ट ज़्यादा कवर अप होता है या कौन से पार्ट में फिनिशिंग ज़्यादा आती है तो ये वीडियो आप लोग है ना पूरा देख के मुझे फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको है ना कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा करेक्टर वाला या कंसीलर वाला और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरा जैसा सोचते हैं यानी कि मैं क्या सोचती हूँ इस लुक पे वो मैं लास्ट में बताऊंगी बट आपको क्या डिफरेंस लगता है मुझे कॉमेंट करके बताइएगा यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ कंसीलर एकदम हाई कवरेज कंसीलर आपको यूज़ करना है अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं सो एक साइड यहाँ पे मैंने कंसीलर लगा दिया और एक साइड मैंने करेक्टर लगा दिया अब जैसे कि आप सभी जानते हो और मेरे पुराने अगर वीडियोस आपने देखे होंगे तो मैंने पुराने वीडियोस में भी काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है कि करेक्टर के ऊपर डायरेक्टली फाउंडेशन कभी भी नहीं लगाते करेक्टर के ऊपर कंसीलर लगाना है फिर फाउंडेशन लगाना है तो मैंने करेक्टर वाली साइड पर भी कंसीलर लगा दिया ऐसे हमने दोनों तरफ कंसीलर अप्लाई कर दिया है बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरफ कंसीलर लगा है सिर्फ कंसीलर लगा है वो काफ़ी प्लेन और स्मूथ लग रहा है लेकिन जिस तरफ करेक्टर और कंसीलर दोनों लग रहा है ना वहां पे वो लेयर्ड लग रहा है तो मुझे मेजर डिफरेंस ये लगता है बट आई डोंट नो आप लोगों को कैसा दिख रहा है स्क्रीन पे सबके अलग अलग व्यूज होते हैं तो देखती हूँ आपको ये मेकअप लुक कैसा लगता है वैसे आप लोग देख सकते हो अच्छे से कवर अप हो चुके हैं स्कार्स काफी अच्छे से सारा कुछ कवर हो गया है एंड है ना मैं ना काफ़ी दिनों से सुन रही हूँ काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि यार मैम तो सारी चीज़ें यूट्यूब पे सिखा देते हैं सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे सिखाते हैं तो ये ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में क्या नया सिखाते होंगे तो उनके लिए मेरे पास एक जवाब है कि आप लोग सिर्फ इतना सोचो कि अगर मैं ऑनलाइन या फ्री एजुकेशन में इतना कुछ सिखा सकती हूँ तो आपको मैं ऑफलाइन में क्या सिखाऊंगी ये आप खाली सोचिएगा एंड अगर आपको ऑफलाइन क्लास की इंक्वायरी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन सेवन डबल टू एट डबल नाइन डबल सिक्स डबल फाइव जल्दी से कॉल कीजिए बहुत बड़ा क्रैश कोर्स है और उसकी इंक्वायरी ज़रूर लीजिएगा सो so, बैक टू द बेस यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ओजी का फाउंडेशन जो कि हाई कवरेज फाउंडेशन है और मैं उसे अच्छे से यूज़ कर रही हूँ पूरे फेस पे थोड़ा सा मोटा लेयर लगा रही हूँ उसका रीज़न ये है कि इनके जो मार्क्स थे वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल थे तो मुझे थोड़ा थिक लेयर करना पड़ा तो मैंने यूज़ किया है ओ का मीडियम फाइव शेड और उसमें थोड़ा सा लाइट फोर मैंने मिक्स किया है क्योंकि मुझे एक टोन ब्राइट चाहिए था बिकॉज ब्राइडल मेकअप है तो थोड़ा फेयर अच्छा लगता है फिर आ, मैं इसे कर रही हूँ अच्छे से ब्लेंड एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करिएगा ड्राई ब्लेंडर मत यूज़ करना नहीं तो जितना प्रोडक्ट आप लगा रहे हो ना उतना वापस आपकी ब्यूटी ब्लेंडर पे आ जाएगा अगर आपके साथ ये हो रहा है मतलब आपका ब्यूटी ब्लेंडर गलत है कभी कभी ऐसा होता है कि वेट ब्यूटी ब्लेंडर में भी प्रोडक्ट आ जाता है अगर वैसा आपके साथ हो रहा है इसका मतलब ये है कि ब्यूटी ब्लेंडर कुछ ज़्यादा ही गीला है तो उसे अच्छे से डैम कर लीजिए यानी कि एक टॉवल में लेके उसे अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए जितना पानी है सब निकाल लीजिए फिर यूज कीजिए अब यहाँ पे हम कर रहे हैं फेस हाइलाइटिंग फेस हाइलाइटिंग के लिए मैंने ओ का लाइट फोर शेड यूज़ किया है वैसे मैं ये फाउंडेशन से हाईलाइटिंग करी हूँ क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं कंसीलर से हाईलाइटिंग करूंगी ना तो बेस थोड़ा मोटा मोटा दिखेगा और काफ़ी ऐसा लगेगा जैसे मैंने थोप दिया है हालांकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी सोच रहे होंगे कि मैंने थोप दिया है जो कि मैंने किया है बिकॉज उसके पीछे एक रीजन है कि स्पॉट्स uh, थे छुपाने के लिए देखो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली अभी चुटकी वाला मैजिक तो नहीं हो सकता ना मेकअप हालाँकि मेकअप मैजिक है बट यहाँ पर चुटकी नहीं बच सकती सो so, इसीलिए अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कॉन्टोर अच्छे से कॉन्टोर कर लीजिए यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ पाउडर कॉन्टोर क्योंकि पाउडर कॉन्टोर मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है एंड क्रीम कॉन्टोर भी फेवरेट है लिक्विड भी फेवरेट है लेकिन पाउडर सबसे ज़्यादा फेवरेट है यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश ऑन और आप पैलेट देख सकते हो मैं यूज़ कर रही हूँ मोर्फे का ब्लश ऑन एंड बहुत ही अमेजिंग ये ब्लश ऑन पैलेट है मेरा पर्सनल फेवरेट है लेकिन इसमें से मुझे एक कलर दो कलर ही पसंद है बस यहाँ पे हम कर रहे हैं लूज पाउडर अपलाई करी मैं अच्छा अगर आपने इतना सारा बेस अगर अप्लाई किया तो आपको लूज पाउडर बहुत ही अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने लूज पाउडर अप्लाई किया लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में तो ऐसे भर भर के लूज पाउडर लगाने का कोई सेंस नहीं है कम लूज पाउडर लगाइए जिससे क्या होगा आपका जो मेकअप है ना वो फ्लॉलेस दिखेगा अगर आप ज्यादा लूज पाउडर लगाओगे ना तो आपका मेकअप पाउडर पाउडर जैसा दिखेगा तो अगर आप चाहते हो आपका मेकअप भी अच्छा दिखे तो लूज पाउडर यूज़ करो लेकिन कम क्वांटिटी में यूज़ करो अब शुरू होने जा रहा है आई मेकअप जिसके लिए मैं बहुत ही वेट कर रही थी कि मैं आप सबको ये आई मेकअप बताऊं एंड सबसे फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया है आईब्रो डिफाइनिंग से अगर आप इस मेकअप की फोटोज या वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर चेक कीजिएगा मेरा इंस्टाग्राम आई डी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो मुझे वहां पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा सभी लोग आई मेकअप शुरू करने से पहले यहां पे मैं यूज़ करी हूँ का लाइट फोर शेड थोड़ा सा पैलेट में बज गया था तो मैंने वो यहाँ पे यूज़ कर लिया उसे मैं अच्छे से कर रही हूँ ब्लेंड आउटफिट के कलर्स जो था वो काफ़ी अलग अलग था येलो पर्पल ग्रीन काफ़ी सारे कलर्स थे तो मैंने सोचा कि हम एक ब्यूटिफुल कलरफुल हालो आइज़ के साथ जाते हैं तो हम हालो आई मेकअप करने वाले हैं सबसे फर्स्ट मैंने पर्पल कलर ले लिया है इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे लगाया है बस क्योंकि इट्स अ हालो आई मेकअप और हालो आई मेकअप का सिंपल सा रूल है बीच में जो है लाइट शेड रहता है एंड इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर थोड़ा सा डार्क शेड रहता है यहाँ पर मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया एक छोटा ब्रश यूज़ करिएगा क्योंकि मेरी जो मॉडल की आईज़ है वो छोटी है और मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्रशेज़ यूज़ करूँगी तो हो सकता है कि मेरा कलर फैल जाए या नीचे गिर जाए उससे मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ ऑरेंज कलर के आई शेडो से अच्छे से ब्लेंड आउट करिएगा लाइन्स बहुत ज़्यादा विजिबल रहेगी तो आपका आई मेकअप खराब दिखेगा ब्लेंड 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 एंड मुझे ये भी बताइएगा कमेंट करके भूलिएगा मत आपको ये कमेंट करके बताना है कि करेक्टर वाला साइड अच्छा था वैसे ये बेस मेकअप होने के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि करेक्टर लगा था नहीं लगा था या था या नहीं था क्या था कुछ भी नहीं पता चल रहा है सो so, आपको क्या लगता है आपके क्या व्यूज़ है इस बेस पे वो मुझे कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे मैं अभी भी उसे ऑरेंज से ब्लेंड कर रही हूँ थोड़ा सा मैंने ब्लू शेड भी लिया था क्योंकि आउटफिट जो था काफ़ी कलरफुल था तो मैंने ब्लू शेड भी इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पर थोड़ा सा लगा दिया है फिर यहाँ पर कलरफुल काजल मैंने यूज़ की है ब्लू कलर की एकदम ब्लू एंड लोअर लैश लाइन पर मैं लगा रही हूँ जेल लाइनर इंग लॉड का और मैं उसे मर्ज भी साथ में करते जा रही हूँ और एकदम मैं जेल लाइनर का जो कोटिंग है पतला देती हूँ और मर्जिंग मैं बहुत ही अच्छे से करती हूँ ताकि एकदम आईज जो है एकदम उठ के दिखे और जब भी छोटी आईज मेरे पास आती है ना तो मैं इस तरह के ब्रॉड काजल मुझे करना बहुत ही पसंद है इनर कॉर्नर पर मैंने थोड़ा सा लाइट शेड लगाया है ताकि आँखें उभर के दिख सके इसी वजह से वैसे ये मैट भी बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मैंने सोचा क्योंकि ब्राइट है तो इसको हम थोड़ा सा ग्लिटरी करेंगे तो हम थोड़ा बहुत ग्लिटर भी यूज़ करेंगे फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा येलो शेड लगा दिया है जैसा कि आप देख रहे हो बिकॉज जब मैंने काफी सारे लोगों से पूछा था कि आपको कलरफुल आई मेकअप अच्छा लगता है या मैट आई मेकअप तो काफी सारे ने मुझे बोला था कि मैम कलरफुल ही करके बताओ ज्यादा मज़ा आता है ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है मैं आपसे यही बोलूंगी कि यार सिर्फ देखना इज नॉट इनफ प्रैक्टिस किया करो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप सीखोगे एंड यहाँ पे मैं जो है वाइट बेस मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्रीज़ बनाने के लिए आपको सिर्फ सेंटर में क्रीज़ बनानी है और कुछ भी नहीं करना है ये सबसे ईजीएस्ट आई मेकअप है जो फ्रेशर से लेके हर कोई कर सकता है प्लस ये एक ऐसा ही मेकअप है जो बड़ी आँख छोटी आँख मीडियम आँखें आप किसी पर भी कर दो सब पे अच्छा लगेगा ये वाला आई मेकअप फिर मैंने क्या किया है? थोड़ा सा गोल्डन आई शेडो यूज़ किया है आप गोल्डन की जगह पे येलो कर सकते हो उससे ये पूरा हल्दी मेकअप लगेगा लेकिन अगर आप गोल्डन कर दोगे तो ये थोड़ा इनटू ब्राइडल चला जाएगा तो मैंने यहाँ पे गोल्डन लगाया है अच्छे से देन मैं यूज़ कर रही करी टूबेर जेल मेरे ग्लिटर को स्टिक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पी के सी का ग्लिटर अच्छे से गोल्डन कलर का ग्लिटर है ये इन शेड गोल्डन एंड यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट टाइम मेकअप डन हो गया है लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी है जो कि है लिपस्टिक क्योंकि जब मैंने ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली थी तो मुझे 300 से ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि मैम लिपस्टिक का शेड कौन सा है तो मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने कौन सी लिपस्टिक का शेड यूज़ किया था इस ब्राइड में यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कलबा का आई लाइनर और ये बिनती के बाद ये लुक लगने वाला है आउटस्टैंडिंग मस्कारा यूज़ कीजिएगा वाटर यूज़ कीजिएगा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मेकअप स्टूडियो का मस्कारा सबसे पहले अपर लैश लाइन पर लगा दिया देन लोअर लैश लाइन पर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ देन अ, मेरी मॉडल ने बोला मुझे आगे से थोड़ी शिमरी आइज़ अच्छी लगती है तो मैंने उसको थोड़ा शिमर लगा दिया आगे सबसे फर्स्ट हम करेंगे लिप लाइनिंग मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर यूज करी हूं लिप लाइनिंग के लिए जो कि मेरा सबसे फेवरेट है डार्क ब्राउन कलर में इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि बहुत ही इनहस होकर लुक आता है सो so, सबसे फर्स्ट बॉर्डर क्रिएट कर दीजिए हमेशा डायरेक्टली लिपस्टिक अप्लाई मत करिए सबसे पहले बॉर्डर क्रिएट करना है आपको और उसके बाद आपको लिपस्टिक अप्लाई की करनी है एंड अभी तक अगर किसी ने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइस वीडियो लाइक कर दो तो बड़ी मेहनत लगती है माँ कसम वीडियो लाइक करने में खाली सेकेंड्स लगते तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर दो यार ताकि हम भी आपके लिए ऐसे कॉन्टेंट शूट करते रहे अभी जो लिपस्टिक शेड में लगा रही हूँ वो है मोरफे ब्रांड का शेड है ब्लड शॉट सो मैंने सबको ये बता दिया है प्लीज़ कोई भी कमेंट करके ये ना बोले कि मैं नाम नहीं बताती आई एम सो सॉरी अगर किसी वीडियो में रह गया हो लेकिन इस वीडियो में मुझे माफ़ कर देना मैंने नाम बता दिया है बहनों भाइयों भी क्योंकि वो भी देखते हैं सो so, मैं अभी भी उसी का दूसरा कोटिंग दे रही हूँ पहला कोटिंग अगर आप दोगे थोड़ा सा लाइट दिखेगा लेकिन जैसे आप दूसरा कोटिंग दोगे वो बहुत ही ब्यूटीफुल शेड एकदम मरून इनटू रेड वाला शेड आएगा जो सारी ब्राइड्स है ना विश करती है हमें वैसा शेड चाहिए एंड यहाँ पे हमारा लुक कंप्लीट हो चुका है हेयर स्टाइल आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए एंड अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे तो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको सारी वीडियोज में गाइज एंड डोंट फर्क टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड थोड़ा सा लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार अच्छा लगता है सो so, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक तो के लिए सी यू बाय बाय एंड प्रैक्टिस करते रहना